भारत के चुनाव नतीजे जैसे जैसे नजदीक समय आ रहा है, क्योंकि 4 जून रिजल्ट का दिन है, वैसे वैसे पाकिस्तान में टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। छठे चरण के बाद पाकिस्तान की दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं। पाकिस्तान को सता रहा है पीओके गवाने का डर, क्योंकि पीओके में लगातार जो प्रदर्शनकारी सड़कों पर आए उसके बाद पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ गई है। पाकिस्तानी फौजी की धमकी के बावजूद ये आंदोलन चल रहे हैं। 27 मई को फिर से बड़े आंदोलन का ऐलान यहां पर कर दिया गया है। 27 मई से पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी बगावत की तस्वीरें सामने आ सकती हैं। मुजफ्फराबाद से शुरू होगा पाकिस्तान के खिलाफ ये नारा, और हाथों में तिरंगा लेकर जैसे लोग सड़कों पर आए हैं अंदाजा आप लगा सकते हैं। भारत के समर्थन से पीओके की आवाम में जोश जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ जो बड़े नेता हैं, चाहे वो पीएम मोदी हो, सीएम योगी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हो, ऐसे कई बड़े नेता जो लगातार बयान दे रहे हैं इस चुनावी दौर में पीओके को लेकर कि भारत में जल्दी विलय हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने तो 6 महीने का अल्टीमेटम भी दे दिया कि हाँ 6 महीने के भीतर भीतर ऐसा होने वाला है। यूके देवनाथ सर एक तरफ तो जुल्म ज्यादती अल्पसंख्यकों पर खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, इससे पहले जो खबर हम डिस्कस कर रहे थे कैसे वहां पर ईसाई समुदाय के जो परिवार हैं न सिर्फ उन पर हमला हुआ, न सिर्फ बदसलूकी हुई, घर मकान दुकान को भी जला दिया गया, फैक्ट्री को आग के हवाले कर दिया गया। अब ये पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ाती हुई एक और खबर, जब पीओके में जो लोग प्रदर्शनकारी हैं सड़कों पर आ गए हैं, टेंशन तो बढ़ाए हुए थे, लेकिन यहाँ जैसे जैसे चुनाव खत्म होने की कगार पर हैं, जैसे रिजल्ट का दिन नजदीक आ रहा है 4 जून का, बेचैनी बढ़ गई है पाकिस्तान की। पाकिस्तान जो है बहुत बेचैन है, बेचैन इसलिए है कि एक उनसे ये सहन नहीं हो रहा कि भारत में हम किस तरह से एक बड़े शांतिप्रिय तरीके से लोकतांत्रिक चुनाव करा रहे हैं, हमने कितनी अच्छी तरह से हमारा जो कश्मीर है उसमें कितनी अच्छी तरह से सफलता के साथ चुनाव के लिए सबको वोटिंग का एक अधिकार दिया, और तो और इस बार जो वोटिंग परसेंटेज है वो 34% से इम्प्रूव होकर हमारे कश्मीर में 54% तक आ गई है। तो पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनको सहन नहीं हो रहा है। दूसरी चीज उनकी अपनी तो एक प्रॉब्लम है ही कि उन्होंने हमेशा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को अपना गुलाम समझा, और अपने जो बड़े बड़े लीडर्स थे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट में, उन्होंने हमेशा पीएके को ना सिर्फ अपना गुलाम समझा लेकिन उनको एक हीन भावना से देखने की भी उनकी प्रवृत्ति थी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पाकिस्तान में जो सुन्नी डोमिनेटेड पंजाबी रूलिंग इलीट है वो और किसी को भी स्पेस नहीं देती है, यानी चाहे वो बलूच हों, चाहे वो पीओके के शिया लोग हों, गिलगित बल्टिस्तान हुंजा के लोग हैं, उन सबको एक हीन भावना से देखा जाता है। जबकि भारत में हमने पूरे भारत के दूर दराज के क्षेत्रों से, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो चाहे कश्मीर के लोग हों, सबको बराबरी का दर्जा दिया है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को अब ये समझना पड़ेगा कि अगर वो ऐसे ही दमनकारी नीतियों को पीओके में लागू करते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब पीओके लोग जो है परेशान होकर भारत के कश्मीर से विलय के करने के लिए अपनी मांग को और भी ज्यादा तेज कर देंगे। पाक अधिकृत कश्मीर में जो हालात अभी बने हुए हैं कर्नल सोढ़ी, उसमें वहां भी प्रदर्शनकारियों की मांग है कि जल्दी हमें भारत में विलय कर दीजिए, तभी हमारा कुछ भला हो सकता है। पाकिस्तान सरकार की नींद तोड़ी हुई है, बेचैनी इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि यहाँ इलेक्शन में बार बार जिक्र, और मैं खासतौर से कहूंगी ये जो 5th, 6th और 7th फेज है, इस दौरान ज्यादा जिक्र हो रहा है पीओके को भारत में विलय करने को लेकर। रचना जी, जब पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोग अपने आप को कंपेयर करते हैं जम्मू कश्मीर से, जहाँ पे इतनी तरक्की हुई है और भारत सरकार ने जब से धारा 370 हटाई है वहाँ पे इतनी अमन शांति आई है, पिछले साल 2,20,00,000 टूरिस्ट वहाँ पे गए जम्मू कश्मीर में, तो पीओजेके के लोगों को एक सिंकिंग फीलिंग, एक बुरा तो लगता है कि देखो यही हमारे भाई बहन है जो सरहद के उस पार हैं और वो भारत में इतनी अच्छी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं और हमारे यहाँ खाने के लाले पड़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर में आज हर आदमी हर औरत अपना मन चाहे रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, रात के 2-2 बजे तक घूम सकते हैं, पिक्चर हॉल खुल चुके हैं जम्मू कश्मीर में, लेकिन ये सहूलियतें पीओजेके में बिल्कुल नहीं है। तो ये नॉर्मल है कि वहां के लोगों में जो आक्रोश है वो बढ़ेगा, क्योंकि जब वो अपने आप को कंपेयर करते हैं वो बहुत बुरा महसूस करते हैं। ये आज की दुनिया में जब सोशल मीडिया 24/7 केबल टेलीविजन है, हर इंसान को लेटेस्ट चीजें पता चलती हैं दुनिया में जो हो रहा है,
और जब वो देखते हैं टीवी चैनल्स पे कि जम्मू कश्मीर में लोगों को कितनी सहूलियतें हैं, कितने वहां पे आराम से घूम रहे हैं, और वो आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं दाल रोटी पानी के लिए, तो ये वाजिब है कि वहां पे जो ये आक्रोश है ये दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा। और अगर पाकिस्तानी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की और उन्हें सहूलियतें नहीं दी, वो दिन दूर नहीं जब वो लोग खुद चल के भारत में आके विलय हो जाए। अब जैसे हालात बने हुए हैं, मांग तो बहुत तेजी से उठ रही है, और यहाँ छठे फेज का इलेक्शन हो चुका है, सातवां और अंतिम चरण बाकी है, चुनाव प्रचार उसके लिए चल रहा है, और 4 जून का इंतजार सभी को। ऐसे में एक बार फिर से क्या मोदी सरकार रिपीट होने वाली है या फिर क्या सत्ता परिवर्तन होने वाला है? पाकिस्तान की बड़ी बेचैनी बढ़ी हुई है,